या उपस्थित प्रधान साहब, ब्लॉक अध्यक्ष जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी बुजुर्ग हमारे नेतागण और आप सब हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, ये तो भाई साहब भाषण रो ने माइक रो मिस ना दी दो, तो मैं ना दी दो था बिक को जसनपुरा आया, कोई राजपुरा आया, कोई वश में उबा था, कोई घरे मलेन गया है, तो मैं कि मीटिंग आवारा दिन मीटिंग रखे हो मोटी, आज मीटिंग नहीं रखनी, कार्यकर्ता मलवारो है घना जना फोन करता था, तो मैं कि एकदम साधारण जनरे मन में स्वागत रूपे स्वागत करी रहा और मली रहा एक बीजन, तो भाषण हारू माइक बीजू कोई नहीं रखनो, कोई भाषण भाषण मूल जी घना दीदा रहा हो बेला बेन ठीक, और भाषण वे तो मीटिंग एडी वेबरी के वने सीधी मीटिंग माते इस बात जाए, एक बीजन मलवारी जो बात वे प्यार थी बात करवा रही बीबे मिनट मलो हो जाए वो नहीं वे तो पसे मंच ने भाषण रखवा दी अरे आरू मिस ना दी दो तो, पर सब आप लोग अटे विराजी आया हो और प्रधान साहब ने सब लोग क्योंकि भाई नहीं बे शब्द बोलना पड़ी, तो सबसे पहला तो आप सबका हमारे जितने वरिष्ठ लोग जिनको मैं 20-25 साल से सब लोग साथ में है राजनीति करते हैं उन सबको देखा है और आप सभी नौजवान साथी जितने भी लोग हैं सबका पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जगह जगह पे गांव में खड़े रह के और यहां भी इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, बाहर रोड पे खड़े हैं, दुकानों में बैठे हैं, सबका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप सब लोग यहां बैठे हो, आज पार्टी ने मेरे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया है और 20 साल हो गए आप लोगों के साथ यहां रहते चुनाव लड़ते हुए और उसके पहले के 5-7-8 साल हो गए जिले में संगठन में काम करते हुए और मुझे इस बात का गर्व है, मैंने हमेशा कहा है कि आदमी एमएलए एमपी पूरी जिंदगी नहीं बनता है, मगर जो आदमी संगठन में काम करता है, लोगों के बीच रहता है, वो नेता बना रहता है, लोग उसको नेता मानते हैं और आज एनएसयूए का जिला अध्यक्ष था मैं जब मेरी उम्र 19-20 साल थी और वहां से लेके पहला पद जो है संगठन का वो, धन्यवाद सरपंच साहब बैठो, संगठन रो शुरुआत जो वे वहां एनएसयूआई थी, वह कार्यकर्ता रही कोई भी और एनएसयूआई रही जिला अध्यक्ष रेन और आज प्रदेश उपाध्यक्ष तक संगठन में सब पद माते, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस, जिला कांग्रेस, जिला युवा कांग्रेस, सब पदों माते मन काम करवा रहा अवसर मिलियो और आप लोगों का आशीर्वाद था कि मैं काम अच्छी तरह से कर पाया और नहीं तो 27 साल इतना लंबा चल के काम करना भी मुश्किल होता है और संगठन के हर पद पे काम करना, सब देखते हैं कि जो काम करने वाला है उसको अपना पद मिलता है और सबको पता है कि कौन संगठन का आदमी है, उसकी क्या क्षमता है, कौन काम कर सकता है, सबको लेके जो है सब साथ चलते हैं। आज मुझे खुशी है कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं राजनीति शुरू की जब 18-19 साल का था और बात सही भी है, कहीं होता पढ़ाई भी करे, व्यापार करे, आगे बढ़े, शौक था राजनीति का, समाज सेवा का और उसमें काम में अटल रहे, अपना काम करते गए और आप देखो कि ठेठ कहां से लेके आज यहां तक संगठन में, हर संगठन में, अग्रिम संगठन में और संगठन में काम करने का मौका मिला, अनुभव मिला और आज प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष तक गया, ये सब आप लोगों की दुआ की वजह से हुआ और यहां 10 साल हो गए, 10 साल से
हम लोग सीट पे जीत नहीं पाए। सब चाहते हैं कि चुनाव हम जीते, जीत नहीं पाए अलग बात है, मगर पूरे हमारे संभाग में आप उठा के देख लो कि जो मजबूती बंदे सेवा देजा में, जो मजबूती आप लोगों ने, चुनाव भले आ रहे हो कभी, मगर दो बातें जरूर है और वो बातें इतिहास में है कि जब भी चुनाव लड़े, 2013 का चुनाव छोड़ दो, 2013 में तो पूरे देश में एक लहर चली थी 13-14 में, पर हम 18 में कम वोटों से हारे, मगर आप लोगों ने जो वोट गिराए वो जोधपुर संभाग में सर्वाधिक वोटों में से एक हमारा वोट था जिसको आपने कांग्रेस गिराया, आपने लोकसभा में आगे रखा, पंचायत राज का आपने चुनाव जीता है आप लोगों ने, और पंचायत राज का चुनाव जिताने के बाद जिसको डेलीगेटों ने चाहा वो व्यक्ति प्रधान उपप्रधान बना, और जिनको जनता ने चाहा वो डेलीगेट बना। और मैंने ये हमेशा कहा था, हमारे में और उनमें फर्क क्या है, हमारे में उनमें ये फर्क है कि भले थोड़े वोटों से मैं चुनाव हार जाऊं, मगर हमारा कार्यकर्ता उसको निराश नहीं होने देते, उन सबको हम चुनाव जिता के लाते हैं। और सामने क्या फर्क है कि कार्यकर्ता काम करने वाला जाए खड्डे में, जो जातियां वोट देके जितावे वो भले घर बैठी रहे, मैं जीतना चाहिए तो अगला जीत जाता है, और बाकी जो जातियां उम्मीद रखती है कि हम भी प्रधान प्रमुख डेलीगेट सरपंच और वो बने, वो एक भी नहीं बन पाता है, उनको फ्री कर देते हैं एमएलए का चुनाव जीतने के बाद में। ये इतिहास है दोनों पार्टियों का, दोनों जिलों का और दोनों व्यक्तियों का, दोनों नेताओं का। और ये सबसे बड़ा फर्क है, जो अपने लोगों के बारे में नहीं सोचे, जो कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचे, जो उन लोगों के बारे में नहीं सोचे कि सभी 36 कौम की जातियों को साथ लेके जीतना है, उनको प्रधान बनाना है, उप प्रधान बनाना है, प्रमुख बनाना है, डेलीगेट बनाना है, पंचायत समिति जिला परिषद का मेंबर बनाना है, नगर पालिका का चेयरमैन पार्षद बनाना है, और वो उनका नहीं सोचे कि अतरा हरा जना है मन जीता तो मो बलन में कटे पड़ू, तो हारे वन में ठीक है माते तो नहीं आवे। मैंने वो नहीं रखा, हमने सब बात सटीक, और आप देख लो आज 20 साल के अंदर जो भी चुनाव हुए पंचायत राज के, दूसरे जितनी हमसे कोशिश हुई सब लोगों को समावेश किया, सबको साथ लेके चले, सबको इकट्ठा रखा, चुनाव में जिताया, और मैंने जैसे कहा डेलीगेटर ने कहा उन लोगों को हमने प्रधान और उपप्रधान भी बनाए, और जो हमारे साथ जुड़ा उनको हमने मजबूत रख के साथ गिरा, जिसका जीता ज्यादा उदाहरण राघवेंद्र सिंह जी प्रधान बैठे मजबूत हमारे साथ में आए, भारतीय जनता पार्टी में इन्हीं के तैयार किए हुए किनारा किया इनको, और इन्होंने बड़ा दिल दिखा के साथ रहे। आप लोगों ने मिलके प्रधान बनाए, ये उदाहरण कि जो साथ रहा, जितना कोशिश हुई हमको साथ लेके चले और लेके चलेंगे, हमारा में अच्छा विकसित हमारा क्षेत्र बने, सब लोग इकट्ठे होके चले, अच्छा हो लो भाईचारा। और देखो मैं कहता हूं जो टीका टिप्पणी करते ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों तो मर्यादा बाहर निकल जाते हैं और अपने क्षेत्र अपनी जातियों और इलाकों का मर्यादा को समझ के और अमर्यादित व्यवहार और भाषा का प्रयोग वो उस पहचान देता है पारिवारिक, इसलिए उन्हें आवश्यकता ही नहीं है, हमको तो सेवा करके और लोगों का काम करना है, और वो दिख जाता है। मैं आपको कहता हूं 10 साल हुए हम कोई जीते के नहीं जीते, मगर एक दिन भी घर नहीं बैठे, चॉइस दोनों में लोकसभा क्षेत्र लोगों के प्रदेश जाना, आप लोगों के बीच में हरेक के जा नहीं पाते, हरेक के साथ नहीं पाते, मगर पूरा सोच दिमाग और भावनाएं दिल से आप लोगों ने दी थी, लोगों के लिए 24 घंटा हम लोगों ने दी, कोई फर्क नहीं रखा, लोग खुकू करते हैं, मर्जी आती है चलता है, मर्जी आती है वो का प्रयोग करता है, मर्जी आती है अमर्यादित व्यवहार करता है, मर्जी आती है वो अपनी जमीर को बेच के सर करने की भी कोशिश है, जिनको मैं साबित भी कर सकता हूं, मगर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात देखना कि जो अपन कोशिश नहीं करे हराने के लिए और वो सर करके हराना है, तो समझ लेना आपकी दुआ इतनी मजबूत है कि हम मजबूत होकर ये वो जो है करते करते, इसलिए वो ऐसा करते पीढ़ियों में वो, और मैं
आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ कार्यकर्ताओं के लिए कुछ बनू मगर दिन आपकी सेवा के लिए और खड़ा रहूं। मिलता जितनी है उतनी आप करूं के लिए उतना मिल जाए तो इतना प्यार बहुत है। बाकी कौन हरा हुआ मिलता और थका दिख और कोई पता है और आज में नहीं लोग भी कहीं जाते हैं। आप लोगों महादेव आशीर्वाद है। कितने साल हो गए मेरे को भी चुनाव और हरे हुए भी मगर आपों ने वो प्रेम छोड़ा। मेरा परिवार मित्र रिश्तेदार हमेशा आप लोगों के आभार होंगे कि आपने प्यार जो है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। हमेशा प्रेम से आप लोग जो है वो आए और बैठे और मैं लोग हमेशा कहा सबको बुरा लगता है कि मन का बना मोने ने सारा वने में रात और फरक जमीन आसमान रखे वने और पूरी उम्र पड़े जबरदस्ती कोई नेता नहीं। 36 को मोनी जा भाइयों आप लोगों ने प्रेम दिया वचन दिया आपके मन में है अब जाके तो आप पता मन तो खाली समाचार दिए आज में तो जगह जगह रास्ते में खड़े होके और यहाँ भी संख्या में आप लोग आ गए। किसी ने थोड़ी किया कि तेल भराओ जाजो आज दिन से मुझे इतनी मैं सबके सामने कहता हूँ कोई बोली हो जालोर आया पूर की बात छोड़ दो रास्ता होती है मगर साचोड़ गया जाया हो यंगों में कांग्रेस के आया हो कांग्रेस के इस क्षेत्र के करता ईमानदार और मजबूत है जो जिंदगी भर आप याद रखोगे और आप याद रहोगे और मेरे मन में रहोगे कि किसी ने कभी कोई किसी के लिए हाथ नहीं फैलाया वो अपने झंडा अभिमान के लिए अपने आप भर के और लेके रवाना होके आ गया कभी नहीं कहना पड़ा। इससे बड़ी इज्जत मिल मेरे को और क्या संदेश हम देते हैं दूसरी जगह। कमजोर परिस्थिति में मजबूत रहे कमजोर परिस्थिति में आपने नेताओं को मजबूत रखा कमजोर स्थिति में आपने हार नहीं और हमने जो बात नहीं की पहले कहता था 10 साल तो सब लोग बुरा मानते थे। यही जो दो चार लोग हैं जो रोज लिखते हैं आज भी लिखेंगे वो कहेंगे अब जातिया बोले यूं नहीं बहकावे में नहीं आएगी वो तो मुंह के लिखा गया वो 10 साल थी। अब लोग कहते थे कि झगड़ा रहे मैं कह रहा था कि समझ इनका विचार अलग है इनकी धारा अलग है पर टाइम है दोस्तों टाइम तो पसे वन टाइम तो साले की सीख कौन होने झूठा रहा बोल बाला था और प्लेन फ्री कर सबने आपने और हमने हिम्मत नहीं तो आज विधानसभा में और पूरे सब जगह स्थिति सामने आई कि किसने हमारा जाति उपयोग किया किस सही बात की कौन जात रहता है उन जाति कौन मान सम्मान रहा है और जबान का पक्का ये सारी स्थिति सामने आपको रोज दिख रही है पूरे में दिख रही है और मैंने उन सब लोगों का आज भी जो मेरे साथ नहीं थे कहीं जातियों के लोग मुझे बुलाते प्रेम आदर मान सम्मान जिन्होंने समर्थन नहीं दिया कभी आज मुझे बुलाते बताते सम्मान देते और मैं सबको जो मेरे साथ है उनका करने की जरूरत नहीं अगर जो साथ नहीं और साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ जिनके साथ धोखा हुआ जिनको 15 वोट लेने के बाद कुछ नहीं बनाया आशिया उनके नेताओं के साथ षड्यंत्र है उनके नेताओं को धकेलने की हो रही है वोट के बाद मैं उन जातियों को कहता हूं आइए प्रेम से हमारे दोनों हाथ फैले हुए आपको गले मिला के प्रेम से इतनी अच्छी तरह से हम रखें कि आप जो वंचित हुए वो हक लेंगे और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी कोई कमी नहीं आएगी और जो 15 आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसको कैसे करेंगे ये आपको मिलेगा नहीं तो साल जिनको दिए और उन्होंने ठगा हम और आप चू ही नहीं बोले इतने ईमानदार थे तो पाल मेरे को भी देके देख लो गलत एरिया में देना और सही पैसा मेरे साथ देना ये निवेदन वो कर रहा हूँ शब्दों के साथ आप सब कहता हूँ उतरो वक्त तो जाएगा हर व्यक्ति की उम्र है आप जीतेंगे हारेंगे फर्क पड़ता है कि जीते हैं और फर्क बहुत फर्क पड़ता है लोगों का के लिए और उनमें के लिए कोई फर्क
सकता है ना वही कर रहा मनक फरे तो कोई कनारे जोन में या वोने लगा दस्ती जाए भाई और साबो बेरे रो मोनी और एक वो तेरा हो तो एक है रेवा पहला घर में पेरा हो बंद कर अनेरे चक्कर में तो घरे भातो ही बे प्रकार रो एक वे एक मुंह या कई मालों के जो आपने आवे आये काम कराई हो तहसील में गियो कलेक्टर गियो थोड़ी हो अठे बेन तीन घंटा आपने सुनवाई की थी आपने आरु फोन की था पसे वो नौके के भाई आज तुम किधू है और एक वो वे है जो अठारो आप बेचना हो कहीं देखे पेरा उनमें आपने तैयार करूंगा मैंने क्यों नहीं पेरा होता वे पेरा वे हाजिर लगे के मारू छू ये बे प्रकार जीवन रे अंदर कटे भी बड़ा कोमा नॉन को सस्तो ने रस्तो नहीं रस्तो वो ही है जो मन को में वेन गोमम में 36 कोम रे वस में वेन निकले और वे थोड़े देख और वने रस्ता में इसे तय करे करो का करनो है वो इस रस्ते में वो इस कोम बने रहे अलावा बितवे अनारुमो आपने को क्यों बात कई जनों ने क्यों कई जना के हमारे के साइज़ पर और पे परिवार या किया कई जना आ गया टिकट साइज़ तो मैं अतरा हारा खपे है और मो हुआ थे लेन की मा जायो भाई मारे वाद उन्नो थे अतरा हारा खपो नहीं बात कारा नहीं खप और तो हमारे एडी तो विशा नावे के बच्चे लावे यो जो मोरे हारी खपे हुआ मोर पाड़ी रहा पर मने नहीं लगा कि अनिल सभा में जो कांग्रेस हाथ रहे जो मारी भी रहे जो आप रहे हाथी रहे गोमा माए जो अटे सकलो बेटा जो अटे मनक बेटा है आप रहे हाथी तो कोई आदमी रियू नहीं ला रहे बाकी हमें रियू कोई आप है ये पूर्ण ये सब बैठे आप सारे लोग बैठे सारे लोग बैठे तो उसे कोई मनक है नहीं छोड़े कोई भारत लावा तो मनी ध्यान ने वोट नकी होना नहीं हटे तो मेरे को सबने सबने नंबर करे आवे पर व्यवस्था मत करो कोई आदमी रे अतरो मत बनो ये तो बेशियार माना खुश राखे यू खुश तो ते कार्यकर्ता बराबर होत पर अनो अनो ईमान राखियो है और एडा आदमी बेचार महीना खुश रा पर थोने में बदलावी ने एक दाड़ो के ओपन कॉल करी या तो वने ने धोखा देन गया बड़ा तो अपने सू गई ये सही बात कर ये मजबूत करो जो मजबूत स्थिति पार पाड़ो और फिर जो जेडी मेहनत करे वो हक मांगो और हक ले 36 कौम है विभिन्न समाज बिरादरी है जाति धर्म है वे सब लोग आए कि 5 साल हुआ 10 साल हुआ हमें करें पार पड़े तो मोरल टाइम ठीक आवे गौम में अच्छू काम करावा हको मन को रू काम करावा हको वनेशा देखें बेइन वे मेहनत करे और ओपे साथ है जो इतना जो मेहनत खराब कराओ कम चलेगा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मैं एक नहीं हूं आप हजारों लोग जो वोट दो हजारों जो गांव गांव मेहनत करते हो सबकी इज्जत का सवाल है इसलिए मैं गलत चीज बर्दाश्त नहीं गलत लोगों को आने नहीं देता क्योंकि हम सबका भविष्य से जुड़ा हुआ और हम सब लोगों को एक साथ में हम बंधे हुए यही बात मैं आपको कहता हूं गांव में मजबूत रहो जो नाराज है बताओ मेरे को मैं बात करूंगा और लोगों को जो जुड़ना चाह रहे हैं 10 साल से वहां तो है अटे कम से कम कौम खाली हाथी राखना है हाथी की कंध राखना है कि कई जातियों ने हाथी राखी उस मार तो उन्होंने आया अरे वाह वाह खाई तो हमें मुका करो अपने विश्वास नहीं की तो यू करे करे मजा लीता 10 साल 15 साल और अब इसलिए मैं आपको कहता हूं हर काम के लिए तैयार है हर तैयार है ब्लॉक री मीटिंग कर रही हो मंडल री मीटिंग हो भी मीटिंग कर रही हो पंचायत वाइज भी सबने बोला हुआ हफ्ता 10 दिन सबने बात कर रही हो
आप पसे बने रहे, अगर आगे भी जो भी कार्यक्रम करना है वैसे आप प्रत्येक लोग जो गांव में अपने हाथी विश्वास दिलाओ, भारतीय विश्वास और हमें मजबूत मार पाड़ो ताकि आने वाले में बहुत उज्जवल भविष्य सब्र हो गए। अन्य शब्दों के साथ आप सब्र आभार करो, आप पुनः मन से दिल से हमेशा 25 साल आपने प्यार मोहब्बत दी है, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे, 5 साल के लोग यहाँ बैठे और उन लोगों ने 20-25 साल से मजबूत रहे, कभी साथ नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में मेरा साथ, किन किन के सारे नाम ले लो यहाँ से पे जो बैठे हैं, अमलू जी, वरिंग जी, सुजा जी से लेके ये पूर्णिमा जी साहब, कितने लोग, एक एक नाम बता दू, देख रहा हूं मैं सबको, जी बैठे ये सारे 25-25 साल हो गई, पोता मोटियार हो गया आवाज से, पोता मोटियार कौन कौन करे, कोक तो में होगा, कुछ होगा, कभी भी है गलतियां मेरे होती है, मैं करूं तो हजे कमियां गलतियां हो गई, और वे रोज याद दे रहा हो और पसे थोड़े परिन मनी याद दे रहा है, याद रखो मैं करूं वने हारू है, वने खोसो हारू नहीं है, पसे डब्बो खुलवारे बाद ठा पड़े के काम तो बहुत नहीं थोड़े रही है को मेरो रियो, इसलिए कोई भी बात मजबूत रहो, कोई दिक्कत नहीं, मिल के वापस करेंगे और जो आपने धारा उस हम कामी हम सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ है हम लोग, आपको बहुत बहुत आभार करता हूं और जो आप उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद कांग्रेस।